श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम, उपस्थित सभी मातृ प्रेमी को मेरा प्रणाम। यहाँ जो प्रश्न आया है, चैत्य सत्ता क्या है, चैत्य सत्ता के संपर्क में रहने के लिए हमें अपना दैनिक जीवन में पद्धति अनुसरण करना उचित है। व्हाट इज द साइकिक बीइंग, व्हाट आर द डिफरेंट प्रैक्टिसेस वन नीड्स टू फॉलो इन डेली लाइफ इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद द साइकिक बीइंग। भगवान जब एक से अनेक होने के लिए चाहते, अभी तक हम लोग अनेक नहीं हुआ। जो अनेक का जो अनुभव हमारा पास है, वो अहंकार हमको अलग अलग अनुभव देता है, वो आर्टिफिशियल अनेक है। क्योंकि अहंकार क्या करता है, भगवान से हमको अलग कर देता है, कट कर देता है। ऐसा अनेक वो नहीं सोचे थे। अनेक का मतलब वो एक ही अनेक होगा, जैसा समुद्र एक है, उनका जो तरंग अनेक है, वो तरंग समुद्र से अलग नहीं है। अगर तरंग को अलग कर देंगे तो नहीं रहेगा, उसको आप तरंग नहीं बोलेंगे। आप पांडिचेरी से अगर एक तरंग लेकर इधर आ जाएंगे रांची को, उसको तरंग नहीं बोलेंगे, उसको पानी ही बोलेंगे। तो भगवान जो एक से अनेक होने का उनका संकल्प था, वो है ऐसा ही एक, वो एक रहेंगे, एक का अंदर में अनेक का प्रकाश होगा। लेकिन अभी हम लोग जो अनेक का अनुभव कर रहे हैं, वो अहंकार का अनुभव, वो सेपरेशन है, वो अपने आप को कट कर देता है भगवान से, मुझे आप से कट कर देता है। तो वो आर्टिफिशियल अनेक है, लेकिन इसका जरूरत था अहंकार का। क्या जरूरत था, कि आपने आपको एस्टेब्लिश करने के लिए, इवोल्यूशन का पहला पर्याय है अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, ये निश्चेतन अवचेतन से अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। उसमें ईगो हम लोग को हेल्प करता है, नहीं तो हम लोग ऐसा ही निश्चेतन में रह जाते, ऐसा ही अवचेतन में रह जाते, आगे नहीं आते। ईगो ही, ईगो डिजायर से सब हम लोग को हेल्प करता है एस्टेब्लिश होने के लिए। अपने आप जो प्रयास करते हैं, क्यों प्रयास करते हैं, हम भी कुछ है, हम किसी से कम नहीं है, मैं भी कुछ एर्न करूंगा, मैं भी अपने आप को एस्टेब्लिश करूंगा। ये जो अहंकार हम लोग को निश्चेतन और अवचेतन से ऊपर लेकर आया, तो उसका रोल था। लेकिन भगवान का जो सपना, जो संकल्प एक से अनेक, वो अभी तक नहीं हुआ। वो कैसा होगा, जब चैत्य सत्ता, हमारा जो ट्रू इंडिविजुअल उसको बोलते हैं, ईगो को बोलते हैं फॉल्स इंडिविजुअल, ट्रू इंडिविजुअल हमारा अंदर में हो, अभी तक सम्मुख में आया नहीं। अभी समय आ गया, वो सम्मुख में आएगा, ईगो को रिप्लेस कर देगा, ईगो का काम खत्म हो गया। इसलिए माता जी बोले, टेल योर ईगो दैट योर आवर इज गन, ईगो को बोल दो तुम्हारा काम खत्म हो गया। तुमको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में दिया हुआ था काम, कि मनुष्य का शरीर को अवचेतन से तैयार करना, जैसा एक कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग देते हैं घर बनाने के लिए, उसके लिए कुछ कमीशन फिक्स करते हैं, वो जब घर कंप्लीट कर दिया, कर देने का बाद उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो बोलेगा, अगर मैं घर बनाया हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं रहूंगा, तो उसको धक्का देकर निकलना है। ऐसा ही ईगो को भगवान ने दायित्व दिया था कि तुम मेरे लिए घर बनाओ, तो हम लोग उनका घर हो गया, भगवान का इतना अच्छा घर हो गया कि देवता लोग भी जाते हैं मनुष्य जन्म लेने के लिए। वो ईगो ने बनाया, ईगो ही हम लोग को इतना दूर लेकर आया। अभी बन गया, अभी वो बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे, ना मैं तो बनाया, खुद बनाया, मैं क्यों जाऊंगा, मैं इसमें रहूंगा। भगवान बोलते हैं तुमको तो कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट में दिया था, तुम कैसे रह जाओगे। टेल योर ईगो दैट योर आवर इज गन, रिटायरमेंट हो जाओ, तुमको पेंशन मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगा, लेकिन वो सीट में बैठ नहीं पाओगे। अगर एक आदमी हेडमास्टर है, वो जो सीट में बैठता है, रिटायरमेंट हो जाने के बाद उस सीट को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, वो सामने अगर बैठ सकता है तो ये जहां नया आदमी है उसको रेस्पेक्ट दे सकता है। लेकिन अगर वो बोलेगा मैं ये सीट कब से मैं बैठा हूं, अभी भी उठूंगा नहीं, तो धक्का देकर उठाए। ऐसा ही ईगो का अभी पोजिशन ऐसा है कि उसको हम लोग को बोलना पड़ता है कि तुम छोड़कर चले जाओ, क्योंकि स्वयं भगवान हमारा अंदर में इमिनेंट डिवाइन, इंडिविजुअल डिवाइन उसको बोलते हैं, हर आदमी का अंदर में एस्टेब्लिश होगा।
वही है चैत्य सत्ता। ये धीरे धीरे हमारा अंदर में विकसित होता है, पर्सनालिटी ऑफ द सोल इसको बोला जाता है, जो हमारा अंदर में आत्मा है उसका एक व्यक्तित्व, उसको बोला जाता है कि चैत्य सत्ता। एक एग्जाम्पल मैं दूंगा कि अगर मैं ये रांची पहला बार आया हूं और आपको 10,000 मांगूंगा, आप क्या बोलेंगे? नहीं, आपको आप कौन है पता नहीं क्यों देंगे। तो मेरा पर्सनालिटी यहां एस्टेब्लिश नहीं हुआ, लेकिन यहां बार बार अगर आऊंगा 10 बार या 20 बार, आपका साथ मेरा पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो गया, उसका बाद अगर आपको मैं 10,000 मांगूंगा, आप 1,00,000 भी दे सकते हैं, आपको पता है आप कौन है, आप ले जाइए, बाद में देंगे लेकिन ले जाइए। इसको बोला जाता है पर्सनालिटी। ऐसा ही आत्मा जो बार बार जन्म लेता है, हमारा जो मन है, प्राण है और शरीर है, उसको पहले रिजेक्ट करता है, तुम कौन हो, तुम्हारा बात मैं क्यों सुनूं। शरीर बोलता है कि मैं अपने आप हैबिट में अच्छा में हूं, सोता हूं, खाता हूं, पीता हूं, जो भी करता हूं, तुमको क्यों मैं सुनूं, तुम कौन हो। प्राण बोलता है मेरा डिजायर्स एम्बिशंस में मैं खुश हूं, तुम्हारा बात मैं क्यों सुनूं। मन बोलता है मेरा थ्योरीज है, मैं रिसर्च कर रहा हूं, मेरा इतना ज्ञान है, उसमें मैं अच्छा एंजॉय कर रहा हूं, तो मैं क्यों तुम्हारा बात सुनूं। तो अभी क्या होता है कि वो जो चैत्य सत्ता है वो अंदर में ऐसा ही है, उसको कोई पूछता नहीं। धीरे धीरे वो मन अनुभव करता है कि वो जो बोलता था वही राइट था, मैं सुना नहीं इसलिए एक्सीडेंट हो गया। मैं ड्राइविंग कर रहा हूं मेरा जीवन का गाड़ी, वो ठीक इंडिकेशन दे रहा था पीछे बैठकर कि इधर ले जाओ, लेकिन मैं सुना नहीं, मैं अपने आप इधर ले गया और गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। मेरा जीवन में मैं जितना तकलीफ सहता हूं, ये मेरा ब्लंडर के लिए ही सहता हूं। तो ये उसका धीरे धीरे इनका ऊपर विश्वास आ जाता है। चैत्य सत्ता जो पीछे बैठा है वो खतरा आदमी है, उसको अगर आप बैठाएंगे नहीं तो बैठेंगे नहीं, जबरदस्ती वो पीछे वेट करेंगे। ऐसा ही प्राण, वो भी समझेगा अरे ये तो हम लोग को अच्छा गाइडलाइंस दे रहा था, लेकिन हम लोग सुना नहीं उनका बात, लेकिन वो ठीक है। तो उनके अंदर में भी उसका प्रति रेस्पेक्ट आ गया। शरीर का जो हैबिट है वो भी देखता है कि वो जो बोलते हैं वही ठीक है। तो उसका बात, उनका बात सुनने के लिए उनका अंदर में इच्छा होता है, लेकिन इमिडिएटली सुन नहीं पाएगा, क्योंकि हैबिट्स है ना, पहले से हम लोग जिस ढंग से जीते हैं वो ढंग से दूसरा ढंग जीना, एक आदमी अच्छा बोल देते हैं, लेकिन वो अच्छा सीखने के लिए तो हमारा एक जन्म लग जाता है, तो इतना इजी नहीं है। लेकिन शुरुआत हो गया, जब अंतरात्मा का जो वाइब्रेशन जो वो बोलते हैं हमारे जीवन में, उनको सुनने के लिए हमारा अंदर में अगर इच्छा आ गया तो शुरुआत हो गया साइकिक लाइफ का। साइकिक लाइफ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हम लोग घुस गए। तब अभी जितना ज्यादा से ज्यादा उनका बात सुनेंगे उसको बोलते हैं साइकिसाइजेशन। साइकिसाइजेशन का मतलब मन धीरे धीरे चैत्यकरण होता है, प्राण धीरे धीरे चैत्यकरण होता है, शरीर का चेतना वो धीरे धीरे चैत्यकरण होता है। चैत्यकरण का मतलब चैत्य का जो गुण है वही गुण मन में आता है, वो ज्ञान का तरफ में प्रकाशित होता है। वही गुण जब प्राण में आता है वो शक्ति का थ्रू में प्रकाशित होता है। वही गुण जब शरीर में प्रकाश होता है वो सौंदर्य का रूप में प्रकाश होता है। जैसा इलेक्ट्रिसिटी एक है, लेकिन वो जब फैन में एक्सप्रेस होता है वो हवा देता है, वो जो फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में जो जब एक्सप्रेस होता है तो कोल्डनेस देता है, ठंडा। वही हीटर में जस्ट ऑपोजिट देता है, गर्मी देता है, लेकिन एक ही एनर्जी है। ऐसा ही चैत्य चेतना जो आत्मा का जो चेतना धीरे धीरे मन में, प्राण में,
शरीर में अपना धर्म से शरीर मन का क्या ज्ञान है, प्राण का है शक्ति है, शरीर का है सौंदर्य है, उसी लेवल में वो प्रकाशित होंगे। मन ज्ञानपूर्ण हो जाएगा, प्राण शक्तिपूर्ण हो जाएगा और शरीर सौंदर्यमय हो जाएगा। ये सौंदर्य नहीं, हम लोग जो सौंदर्य बोलते हैं, लिपस्टिक लगा देते हैं, पाउडर बना देते हैं, वो सौंदर्य नहीं, दिव्य सौंदर्य एक बात बोला जाता है। तो वो धीरे धीरे चैतिकरण होता है, तब हम लोग बोलते हैं कि चैत्य सत्ता सम्मुख में आ गया। सम्मुख में आ गया का मतलब वो लीडर हो गया हमारे जीवन में, वो ड्राइवर सीट में बैठ गया हमारे जीवन का। मन प्राण शरीर उनको वो रेस्पॉन्ड करते हैं, वो जो बोलते हैं उसी हिसाब से जाते हैं, तो हमारा जीवन सही ढंग में भगवान के प्रति शुरू हुआ है। जब तक उनको हम लोग सम्मुख में नहीं लेकर आया, तब तक हमारा जीवन साधारण जीवन में ही है। हाँ ठीक है, हम लोग माता जी श्री अरविंद को अच्छा से प्यार करते हैं, पूजा करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन प्रैक्टिकली हमारा जीवन और दूसरा लोग का जीवन में इतना फर्क नहीं है, क्योंकि हम लोग वही डिजायर हैबिट्स प्री कंसीव्ड आइडियाज ये सबको लेकर हम लोग जीते हैं, वो लोग भी जीते हैं। हमारा एक बेनिफिट है कि धीरे धीरे माता जी का हिसाब से हमारा जीवन को चेंज कर सकते हैं अगर चाहेंगे, वो भी जबरदस्ती नहीं है। हम लोग अगर चाहेंगे तो हो पाएंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो यहाँ पे रहने से भी कुछ नहीं होगा। जैसा श्री कृष्ण का पास दुर्योधन था, विदुर था, लेकिन विदुर उनसे बेनिफिट ले गया, दुर्योधन का कुछ नहीं हुआ, पास में तो था श्री कृष्ण का अपना जो संतान, श्री कृष्ण का अपना संतान, वो घर में अपना पास थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ उन लोग का, क्योंकि हम लोग का ये बेनिफिट है, ये जो आश्रम है ये हमारा लिए बेनिफिट है। हम लोग अगर चाहेंगे तो ये बेनिफिट लेकर जल्दी हम लोग को अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ स्पिरिचुअल फूड है, स्पिरिचुअल जो खाद्य दरकार है वो यहाँ पे है, अगर हम लोग उसको ले जाएंगे खा पाएंगे तो बेनिफिट होगा। अगर यहीं पे बैठ जाएंगे लेकिन खाएंगे नहीं, जैसे होटल में आप जाएंगे, होटल में जाकर सिर्फ बैठ जाएंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। होटल में सब कुछ है लेकिन आप अगर खाया नहीं तो क्या होगा? वो बेनिफिट है कि आपका पास खाना है, आप ऑर्डर देकर खाना खा सकते हैं, होटल के बाहर में आप ऑर्डर देकर नहीं खा सकते हैं, पास में खाना नहीं। ऐसा ही एक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में एक बेनिफिट ये है कि भगवान का जो हमारा प्रति जो कृपा है, ग्रेस, यहाँ भरपूर है, बाहर में इतना नहीं है जितना यहाँ है। अगर हम लोग चाहेंगे तो उसको यूज कर सकते हैं, हमारा जीवन को धन्य कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ऐसा ही रह सकते हैं, जीवन भर ऐसा ही रह जाएंगे, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको बोला जाता है कि चैत्य सत्ता को विकसित करना, सम्मुख में ले आना। वो कैसा ले आएगा? माता जी बोले चैत्य सत्ता को सम्मुख में ले आने के लिए पहला आवश्यकता है भक्ति, प्रेम और सिंसियरिटी, ये तीन, भक्ति, प्रेम और सिंसियरिटी। अच्छा, अभी तक हमारा जितना नॉलेज है, हम लोग बोलते हैं कि भक्ति और प्रेम एक ही है, भक्ति और प्रेम एक ही नहीं है। भक्ति में सम्मान रहता है, रिगार्ड रहता है, प्रेम में अपनापन रहता है, दोनों में अलग है, और दोनों अलग अलग एग्जिस्ट कर सकता है, माता जी बोल रहे हैं। लेकिन जब भक्ति में प्रेम मिल जाएगा तो सिद्धि प्राप्त हो गया। भक्ति सम्मान है, उसका साथ आपका अगर प्रेम मिल गया तो चैत्य सत्ता जागृत के लिए वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। देखिए, एक बच्चा अपना माँ को प्रेम करता है लेकिन सम्मान नहीं देता है, उसका ऊपर बैठ जाता है। एक बच्चा क्या करता है? उसके ऊपर बैठ जाता है, जो इच्छा है वो कर पाता है। प्रेम में ये जो सम्मान का चीज नहीं रहता है,
लेकिन एक भक्त भगवान के पास जब जाएगा सम्मान का साथ जाता है। हम लोग इधर आए उनको सम्मान में इधर बैठे हैं, हमारा प्रेम है ठीक है लेकिन उसका साथ सम्मान भी है, हम लोग उनका यही पे नहीं बैठ जाते, हम लोग ऊपर उनको ऊपर रखते हैं, हम लोग नीचे बैठते हैं, उसको सही सम्मान देते हैं। हमारे अंदर में उसका जो पावर है, उनका जो ग्रेटनेस है, उसका प्रति हमारा अंदर में एक सम्मान जागृत होता है, उसी को बोला जाता है भक्ति। तो भक्ति और प्रेम जब मिल जाता है तब जैसे सत्ता समुख में आने के लिए पावरफुल मीन्स हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का मतलब ये है ट्रांसपेरेंसी। माता जी बोल रहे अदर नेम ऑफ सिंसियरिटी इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब एक ग्लास का जैसा मैं इधर से देख रहा हूं अंदर में क्या है दिखाई देता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। वैसा ही मनुष्य को आप अगर देखेंगे बाहर में जो है भीतर से भी देख सकते हैं हम लोग, बाहर और भीतर में वो स्वच्छ है, अंदर में जो है बाहर में हो रही है, इसको बोलते हैं सिंसियरिटी। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग बोलेंगे ये बहुत अच्छा आदमी है, अंदर में सोचेंगे ये मेरा कंपटीशन करता है, उसको जल्दी यहां से निकल जाना से ठीक है। हमारे अंदर का कुछ है, बाहर का और कुछ है। जब तक ये दोनों में अंदर में जो है बाहर में जब तक वो उसी हिसाब से परिवर्तन नहीं होगा तो सिंसियरिटी हमारा नहीं है। माता जी बोल रहे हैं सिंसियर आदमी को मैं ऐसा देखने से आपका थ्रू में देखते थे तो अंदर में घुस पाते थे वो, लेकिन जो सिंसियर नहीं उनको अंदर में घुस नहीं पाते वो। माता जी इतना ये था क्या इंप्यूरिटी था कि उनका अंदर में नहीं जा पा रहे थे। तो सिंसियरिटी अगर नहीं रहा तो सक्सेस नहीं होगा किसी में भी। और एक सिंसियरिटी का डेफिनेशन नया डेफिनेशन और एक डेफिनेशन है कि माता जी बोल रहे हैं हर आदमी के अंदर में सबसे निचला चेतना रहता है, सबसे निचला चेतना और सबसे ऊंची चेतना, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस रहता है भगवान का चेतना और निश्चेतना भी रहता है हर आदमी के अंदर में। इतना बड़ा स्केल है, अति चेतना रहता है और निश्चेतना रहता है हर आदमी के अंदर में। ये स्केल है, कोई एक आदमी नहीं बोल सकता कि मैं पूरा उच्चतर चेतना में हूं, मेरा नीचे का कुछ नहीं है। लेकिन आप कौन सा चेतना को इंपोर्टेंस देकर जीवन जीते हैं वो निर्भर करता है सिंसियर की नहीं है। अगर आप तो उच्चतर चेतना को इंपोर्टेंस देते हैं तो आप सिंसियर है। आप अगर निचले स्तर का जो चेतना है निश्चेतना को अवचेतना को अगर इंपोर्टेंस देते हैं तो आप सिंसियर नहीं है। सपोज यहां आप आने के लिए इच्छा कर रहे हैं, ये भगवत चेतना का चीज है। स्टडी सर्किल में आपको फायदा होने वाला कुछ नहीं है, आप आ रहे हैं तो आप उच्चतर चेतना को इंपोर्टेंस देते हैं। उसी समय आपका फ्रेंड बोलेगा चलो फिल्म देखकर आ जाएंगे, आप भी बोलेंगे ये पाठचक्र में क्या है, या तो थोड़ा इधर उधर डिस्कशन होता है वो तो बुक्स में है, मैं तो बार बार पढ़ा हूं आश्रम तो बार बार गया हूं, लेकिन ये जो फिल्म आया है ये बार बार नहीं आएगा, कुछ दिन आया चले जाएगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा। और मेरा जो फ्रेंड है वो भी बहुत दिन का बाद मुलाकात हुआ उनको साथ, तो उसको मैं कैसा छोड़ू, तो वहां क्या मैं किसको इंपोर्टेंस दिया, मेरा निम्न चेतना को इंपोर्टेंस दिया। तो मैं सिंसियर नहीं हूं भगवान का हिसाब से, मैं इनसिंसियर हूं। मैं सिंसियर तब हूंगा जब मेरा अंदर में जो हाईएस्ट चेतना है उसके ऊपर मैं इंपोर्टेंस देते हुए जीवन को बिताता हूं, उसको बोला जाता है मैं सिंसियर हूं। तो अगर ये सिंसियरिटी नहीं रहता है तब भी साइकिक बींग फ्रंट को नहीं आएगा। तो तीन चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, एक है भक्ति, दूसरा है प्रेम, तीसरा है सिंसियरिटी। इसके अलावा जब साइकिक बींग सम्मुख में आ जाता है उसका जो जो क्वालिटीज डेवलप होता है वो क्वालिटीज पहले से हम लोग को प्रैक्टिस करना है, तब
साइकिक डेवलपमेंट एक्सेलरेट हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। जो क्वालिटी साइकिक बींग सम्मुख में आने के बाद जो होगा, वही क्वालिटीज मैं अगर अभी से प्रैक्टिस करूंगा तब साइकिक बींग जो सम्मुख में आने का प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाएगा। तो पहला क्वालिटी क्या है साइकिक बींग जब सम्मुख में आएगा, पहला क्वालिटी इमोर्टैलिटी सेंस आएगा। इमोर्टैलिटी का मतलब मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। ये जो अनुभव आपका पास आ जाएगा तो आपको कोई भी आपको भयभीत नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप है, आप थे, आप रहेंगे, आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ। तो आपके अंदर में भय टोटली चले जाएगा। जैसा एक बार अलेक्जेंडर, सम्राट अलेक्जेंडर एक साधु जी के पास गए थे, तो बहुत अच्छा लगा उनका ज्ञान को देखकर। उसका बाद उनको जो साधु को, साधु जी को बोले कि मेरा घर को आ जाए, मेरा राजवास को आ जाए, राज निवास को, वहां आपको सब फैसिलिटी दे दूंगा, आप आ जाइए। उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, मैं इधर जित जैसा हूं बहुत खुशी में, ये फैसिलिटी आप नहीं दे पाएंगे। यहाँ जो नेचर है आप नेचर दे नहीं पाएंगे, यहाँ जो सुंदर सौंदर्य है, वो जो पक्षी है, सब कुछ है, आप नहीं दे पाएंगे। वो सूर्य किरण सीधा इधर आता है, आप नहीं दे पाएंगे सब, मैं नहीं जाऊंगा। तो सम्राट बोला ठीक है, मैं तुमको रिक्वेस्ट किया हूं, मेरा ये बड़ापन था, अभी मैं तुमको जबरदस्ती करूंगा। तुमको पता नहीं मैं कौन हूं, मैं सम्राट अलेक्जेंडर हूं, लोगों को मार मार कर मैं अलेक्जेंडर हुआ, हर जगह में कितना आदमी को मारा है हिसाब नहीं है, और मैं सम्राट। तुमको मारने के लिए कुछ समय नहीं लगेगा, मेरा एक्सपीरियंस है। तो हंसने लगा साधु ने, बोला मैं मूर्ख देखा था, अभी मैं गजमूर्ख को देख रहा हूं। ना क्या है, ना तुम मुझे मार नहीं सकते हो, मैं था, हूं, रहूंगा। तुम जिसको मारने के लिए बोल रहे हो वो मेरा ड्रेस है, पोशाक है, उसको तुम लेना चाहते हो तो ले जाओ, मेरा पास अलमीरा में बहुत पोशाक है, तुम मुझे कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। इसको बोलते हैं अमरत्व का एक्सपीरियंस। ये अगर हम हमारा जीवन में आ गया तो किसी चीज में हम लोग को डर नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा अंदर में ऐसा एक अनुभव रहेगा कि हम लोग को कोई कुछ कर नहीं पाएगा। ड्रेस अगर आप चेंज कर देते हैं, आप रोते हैं क्या? नया ड्रेस चेंज करते हैं, जब कुछ पूजा में नया ड्रेस खरीदते हैं रोते रोते जाते हैं क्या? क्यों? आपको पता है ड्रेस आप नहीं है, ड्रेस आपका सौंदर्य भी प्रकाश करता है, उतना ही है। एक ड्रेस चलेगा तो दूसरा ड्रेस है। ऐसा ही मेरा अनुभव आएगा, ये शरीर अगर चले गया तो पुराना ड्रेस चलेगा तो नया ड्रेस आ जाएगा। ये जो एक्सपीरियंस, ये तो बोलने में बहुत अच्छा है, मैं बोल दिया आप ये समझ लिया, लेकिन अभी अगर कोई टेररिस्ट आ जाएगा हम लोग को बोलेगा इस अभी छोड़ो, ये घर को चले जाओ, नहीं तो देख लूंगा। हम लोग बोल सकेंगे क्या? मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। पहले छोड़कर चले जाओ, बाद में देखेंगे, है कि नहीं? क्योंकि हमारा अनुभव नहीं है, हम लोग लॉजिकली अब समझ लिया कि हाँ ऐसा है, तो अमरत्व का स्थिति है जिस स्थिति में भय नहीं रहेगा, लेकिन वो एक्सपीरियंस आने तक हम लोग का अंदर में भय रहेगा। तो भय नहीं रहने का प्रैक्टिस जो है वो हम लोग को अमरत्व के तरफ में ले जाएगा। ये प्रैक्टिस करना है, जो भी है माता जी बोल रहे हैं एक अच्छा प्रैक्टिस करो, तुम्हारा जो भी है कुछ कोई कुछ बिगड़ नहीं पाएगा। मैं हूं माता जी बोल रहे मैं हूं, तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ पाएगा, कोरोना भी कोरोना हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो ये फिलोसफी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अंदर में भय मुक्त हो जाएगा। अगर भय मुक्त हो गए तो अमरत्व का जो एक्सपीरियंस स्पॉन्टेनियसली आपके पास आ जाएगा। ये पहला क्वालिटी हम लोग को प्रैक्टिस करना है। दूसरा है देने में आनंद, जॉय ऑफ गिविंग।
हम लोग अभी क्या है, लेने में आनंद लेते हैं, इतना मेरे मुझे मिला, अगर नहीं मिला तो दुख आ जाता है। अगर मैं बोलूंगा आप कैसे हैं, बहुत अच्छा हूं, कैसे क्यों, ना मेरा घर है, मेरा बच्चा इधर है, पैसा इतना अर्न करता है, ये करता है, उसी हिसाब से मैं खुश में हूं, जितना मैं पाया हूं उसी हिसाब से मैं खुश में रहता हूं। साइकिक लाइफ जस्ट अपोजिट है, जॉय ऑफ गिविंग, वो अपने आप को कितना दे पाता है, भगवान को कभी मांगते नहीं कुछ, वो बोलते हैं मैं आपका पास हूं, मेरे मुझे आप कितना यूज करिए कर लीजिए, उतना मैं आनंद में रहूंगा। यही है साइकिक बीइंग का क्वालिटी है। एक बार आश्रम में एक साधक माता जी को बोला, मैं जो पहला आए थे आश्रम को, तब मैं आपको मांग रहे थे कुछ, आप भी मुझे दे रहे थे, लेकिन अभी कुछ साल हो गया, मुझे मांगने के लिए इच्छा नहीं होता है, क्या आपका और मेरा संपर्क में कुछ बिगड़ गया क्या? जैसे हम लोग का संपर्क अगर बिगड़ जाता है तो जिसको हम लोग मांग रहे थे उसको नहीं मांगते हैं, वो मेरा शत्रु हो गया, ऐसा ही आपका और मेरा अंदर में शत्रुता आ गया क्या, बिगड़ गया क्या कुछ रिलेशनशिप, क्योंकि मुझे और मांगने के लिए इच्छा नहीं होता है। माता जी बोला नहीं नहीं बिगड़ा है, तो क्या हुआ, तुम्हारा चैत्य सत्ता एक्टिव हो गया, तो चैत्य सत्ता जब एक्टिव हो जाएगा वो भगवान को मांगेगा नहीं, वो भगवान को देने में अपना आनंद रहता है। हम लोग जब मंदिर जाते हैं मांगने के लिए जाते हैं ना, देने के लिए जाते हैं, बोलिए, एक छोटा सा चीज नारियल देते हैं, बदले में कितना मांग लेते उसका हिसाब नहीं है, और नारियल भी किसका है, हम लोग सोचते हैं हमारा है जो नारियल भी उनका ही, उनको दे देते हैं और बोलते हैं इतना दे दो, तो हमारा चैत्य सत्ता विकसित नहीं हुआ। एक बार चैत्य सत्ता विकसित हो गया तो देने में आनंद आ जाएगा, कितना मैं अपने आप को दे दूंगा, जितना आप देंगे माता जी बोल रहे उतना आप हो जाएंगे, जितना आप अपने आप को दे देंगे उतना आप दिव्य हो जाएंगे, लेकिन मनुष्य देना सीखना है, सीखा नहीं, इसलिए वो पशु पशुवत जानवर जैसा जीता है। तो वो एक दूसरा क्वालिटी उनको पाना है। तीसरा है हर परिस्थिति में ग्रेटफुल रहना है भगवान का प्रति, ये साइकिक का क्वालिटी है, हर परिस्थिति में ग्रेटफुल रहना है भगवान का प्रति। हम लोग जनरली ग्रेटफुल होते हैं जब हमारा डिजास्टर देते हैं, अगर मैं तो मेरा बच्चा है उसका अगर नौकरी मिल गया तो भगवान का प्रति आकर ग्रेटफुल हो जाते हैं, आपका कृपा से मेरा बच्चा तो नौकरी हो गया, लेकिन माता जी बोल रहे हैं अगर उसका कुछ भी नहीं हुआ उसमें मेरा ज्यादा कृपा है, when your desire is fulfilled know that my grace is there, when your desire is not fulfilled know that my double grace is there, अगर तुम्हारा डिजायर फुलफिल हो गया तो मेरा कृपा है, लेकिन अगर मेरा तुम्हारा डिजायर में फुलफिल नहीं किया तो उसमें और भी ज्यादा ग्रेस है, क्या है कि मैं और तुमको और कुछ बनाना चाहता हूं लेकिन तुम इसमें रहना चाहते हो। जैसा स्वामी विवेकानंद वो ग्रेजुएशन में उस समय फर्स्ट हुआ थे 18th century में, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिला, दूसरे लोग को मिल गया लेकिन उनको नहीं मिला, और घर में परिस्थिति बहुत खराब था, तो उन्होंने रामकृष्ण जी को जो पूछा, मैं इतना अच्छा स्टूडेंट हूं मुझे नौकरी क्यों नहीं मिलता है, भगवान मेरा बात क्यों नहीं सोचते सुनते, तो बोले तुम तो इसलिए आया ही नहीं हो, तुम नौकरी करने के लिए आया ही नहीं हो तुम, और तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम और कोई कर नहीं पाएगा, तो भगवान तुमसे इतना बड़ा काम रखा है, तुम छोटी नौकरी में रहोगे कैसा वो फुलफिल करेंगे, तो जब आपका डिजायर फुलफिल नहीं होता है समझ लो भगवान आपको उनका एक बहुत बड़ा काम करने के लिए जन्म दिए हैं, बहुत बड़ा काम करने के लिए जन्म दिए, लेकिन आप समझ नहीं पाते, आप बोलते हैं मैं जा चाहता हूं वही दो,
तो ये साइकिक बींग जब डेवलप हो जाएगा तब हर परिस्थिति में ग्रेटफुल रहना है, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं बाहर से वो जैसा भी दिखाई देगा वो हमारे लिए मंगलदायक ही है। तो साइकिक बींग सम्मुख में आ जाने से हर पल आपका ग्रेटिट्यूड में चले जाएगा। तो अभी क्या करना है, वही ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। मेरा जब डिजायर फुलफिल हो जाता है तो ठीक है, आई एम ग्रेटफुल, लेकिन अभी डिजायर अगर फुलफिल नहीं है तो भी ग्रेटफुल मैं होऊंगा, क्योंकि उसका पीछे और कुछ कारण है मुझे पता नहीं, अभी बाद में पता चलेगा। अभी मैं विश्वास करता हूं कि मेरा अच्छाई के लिए ही ये चीज हुआ है, चाहे दुनिया कुछ भी बोले उसमें फर्क नहीं पड़ता है, मुझे पता है मैं भगवान के ऊपर विश्वास किया हूं, मेरा जीवन में जो होगा वो अच्छाई के लिए होगा। इसको बोलते हैं एवर ग्रेटफुल, हर टाइम ग्रेटफुल रहना, ये प्रैक्टिस करना है। जीवन में हर संशय संदेह हताशा ये सब चले जाएगा, नहीं रहेगा। साइकिक बींग अगर आ गया तो उसमें डिप्रेशन डिस्पोंडेंसी ये सब कुछ नहीं रहेगा, सब चले जाएगा। जब मैं आश्रम गया था प्रणब जा थे, मैं पढ़ा था कि माताजी उनका मथा का ऊपर टच कर उनका साइकिक को अवेकन किए थे। तो मैं उनको पूछा कि आपका साइकिक जब अवेकन नहीं था तब का लाइफ, आपका जब साइकिक अवेकन हो गया तब का लाइफ में फर्क क्या है प्रैक्टिकली? अंदर में तो आपका बहुत फर्क है, मैं समझ नहीं पाऊंगा एक्सपीरियंस का लेवल में, वो भी आप बोलना नहीं चाहिए, वो सब आपका पर्सनल है, लेकिन बाहर में क्या परिवर्तन हुआ? उन्होंने बोला कंप्लीटली मेरा डिप्रेशन चले गया, मेरा जो डिप्रेशन था साइकिक बींग सम्मुख में आने के बाद डिप्रेशन नील हो गया। तो हम अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी सिचुएशन में हम डिप्रेस नहीं होंगे तो क्या होगा, साइकिक बींग सामने आने के लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा। जो भी जड़ जैसा प्रतीयमान होता था वो जीवंत हो जाएगा। साइकिक बींग अगर सम्मुख में आ गया, ये जड़ नहीं है, इसका अंदर में भी जीवन है, वो भी आपको रेस्पॉन्ड करता है, ये भी रेस्पॉन्ड करता है, हर चीज मेरा बात सुनता है। वो ऐसा नहीं है सिर्फ उनका अंदर में लाइफ नहीं है, हर चीज में लाइफ है, आपको पता चल जाएगा। तो उसको कितना सम्मान में आप रखेंगे, अभी क्या है ऐसा कर देते हैं, जब जरूरत होता है उस समय हम लोग उसको थोड़ा साफ कर देते हैं, यूज करते हैं, बाकी समय उसका बेचारा क्या होता है पता नहीं, क्योंकि हम लोग को लगता है कि वो मरा हुआ चीज है, लेकिन माता जी बोल रहे हैं वो मरा हुआ चीज नहीं। माता जी जब जापान से आए थे रिटर्न होकर, पंडित जी यहाँ जापान से नहीं फ्रांस से जब आए थे घर छोड़कर, घर का हर चीज का साथ वो बातचीत कर आए कि तुम कितना मुझे हेल्प किया, मैं कितना कंफर्टेबली यहाँ जीवन बिताया, रिसर्च कर पाया, क्योंकि तुम इतना अच्छा कंफर्ट मुझे दिया, इसलिए मैं इतना अच्छा जीवन बीत पाया। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, और भगवान को प्रार्थना करता हूं कि जब दूसरा मालिक तुम्हारा घर में तुमको यूज करेगा वो भी कॉन्शियस होगा, तुमको जड़ जैसा इनर्ट मैटर जैसा यूज नहीं करेगा, एक जीवंत वो उसमें मेरा अंदर में जैसा लाइफ है उनका अंदर में भी ऐसा ही लाइफ, ये अनुभव आ जाएगा। मैं देखा हूं मेरा लाइफ में, मेरा एक साइकिल था जब नौकरी कर रहा था 40 साल हो गया, तब वो साइकिल में मैं डिफरेंट प्लेसेस को स्टडी सर्कल करने के लिए गांव-गांव को जा रहा था। तो एक बार सुबह मैं गांव को जा रहा हूं साइकिल में, ऊपर में अच्छा जो बादल है बहुत सुंदर बादल दिखाई देता था, तो मैं ऊपर को देखकर ऐसा ही चल रहा था गाड़ी, मेरा साइकिल नीचे नहीं देख रहा था और गाना गाकर चल रहा था।
सडनली मेरा साइकिल हैंडल ऐसा टर्न हो गया। मैं आश्चर्य हो गया कि साइकिल का हैंडल क्यों टर्न हुआ, मैं तो किया नहीं, लेकिन नीचे में देखा अगर टर्न नहीं होता तो मैं गिर जाता। डाइवर्सन रोड था, डाइवर्सन रोड था, वो खुद मुझको बचाया। साइकिल का अपना चेतना है वो, अब मैं अगर उसको प्यार करता हूं उनका दायित्व बन जाता है, मुझे भी वो सेव करता है। तो हर चीज में एक लाइफ है, उसको कैसा आप प्यार करेंगे, ये सब साइकिल का नेचुरल स्वाभाविक गुण है। लेकिन वही अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो साइकिक लाइफ एक्सेलरेट हो जाएगा, शीघ्र आ जाएगा। तो वो जो जो गुण उनका नेचुरल है, वो गुण हम लोग को प्रैक्टिस करना है। और हमारा जो डिजीज, माता जी बोल रहे हैं डिजीज बाहर से एंट्री होता है, एंट्री होकर सबकॉन्शियस में चले जाता है, चले जाकर वहां से जब मैनिफेस्ट होता है हम लोग को पता होता है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन साइकिक बींग अगर सम्मुख में आ जाता है तो वो आने के समय ही पता चल जाएगा, मेरा घर में घुसने के लिए चाहता है, मेरा घर का जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं एथरिक बॉडी, नर्वस एनवलप, ब्राउन कलर का एक सटल फिजिकल बॉडी है। वो अगर पंचर नहीं होगा तो वो डिजीज, कोई भी डिजीज मेरा अंदर में आ नहीं पाएगा, उसको बोलते हैं नर्वस एनवलप या एथरिक बॉडी। तो साइकिक बींग वहीं से देख देता है कि वो पंचर कर आने के लिए चाहता है, उसको वहीं से भगा दे पाएगा वो, तुम क्या मेरा अंदर मेरा घर में घुसना आ सकता, गेट आउट। डिजीज को वो गेट आउट कर सकता है साइकिक बींग, अगर उनको अनुभव चाहिए तो वो एंटर भी कर सकता है। माता जी बोल रहे हैं कभी कभी वो डिजीज को एंटर कर उसका साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, वो भी है। लेकिन अगर भगाना चाहेगा तो भगा दे पाएगा। हमारा क्या है कि हमारा अंदर में डिजीज इजीली घुस जाता है, क्योंकि जो नर्वस एनवलप है वो हर तरफ में पंचर है। हमारा डिप्रेशन, हमारा एक्साइटमेंट, हमारा सेल्फिशनेस, ये सब एथरिक बॉडी को पंचर कर देता है, चारों तरफ में पंचर है। जिस तरफ में घुसना चाहते हैं इजीली घुस जाता है हमारे अंदर में, पता ही नहीं चलता है हमारे घर में घुस गया, चोर जैसा घर में घुस गया पता नहीं है, सामान लेकर भागने का बाद पता चलता है। ऐसा ही वो जो डिजीज आ जाता है हमारा घर में घुसता है, पता नहीं चलता हमारा, और एथरिक बॉडी जो है वो उसमें तो 1000 पंचर है, वो इजीली घुस जाता है। मेरा अंदर में जो फाय है, मेरा अंदर में जो डिप्रेशन है, एक्साइटमेंट है, वो सब एक एक होल है एथरिक बॉडी में, वो इजीली हमारा अंदर में घुस जाता है, हमको हमारा तबीयत खराब कर देता है। उसका बाद मुझे पता चलता है कि मेरा तबीयत खराब, तो उसको क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी वो एस्टेब्लिश हो गया है। तो हम लोग यही प्रैक्टिस करेंगे कि ये डिजीज के लिए जो जो जरूरत नहीं है, जिस थ्रू में वो एंटर करता है, वो चीज मेरा अंदर में मैं अलाउ नहीं करूंगा। मेरा अंदर में भय नहीं रहेगा, मेरा अंदर में डिप्रेशन नहीं रहेगा, मेरा अंदर में एक्साइटमेंट रहेगा, मेरा अंदर में फेथ रहेगा। फेथ जितना है उतना स्ट्रांग रहेगा मेरा एथरिक बॉडी। माता जी के ऊपर फेथ जितना पावरफुल है उतना पावरफुल मेरा एथरिक बॉडी स्ट्रांग रहेगा, मेरा जो नर्वस एनवलप स्ट्रांग रहेगा। कोई भी चीज घुसने के लिए मेरा परमिशन जरूरत है, ऐसा घुस नहीं पाएगा। हम लोग अभी इधर आए, आपका परमिशन लिए कि नहीं लिए? ऐसा ही मेरा घर में अगर डिजीज आएगा, ऐसा नहीं आ जाएगा अपने आप, परमिशन लेगा? हम लोग इच्छा होने से देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये साइकिक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। और एक चीज है, हम लोग जो गलती करते हैं, हम लोग गलती को ऊपर से नहीं करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन गलती क्यों होता है उसका कारण हम लोग को पता नहीं है। हम लोग अगर एक गलती कर दिया, ठीक है भाई नेक्स्ट टाइम गलती है नहीं करेंगे, देखेंगे एक्सटर्नली वो चीज नहीं करना है, अगर कुछ गलती से कर दिया तो ठीक है नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, इतना तक हम लोग जाते हैं। साइकिक बींग ऐसा नहीं जाता है। गलती का कारण क्या है? गलती का कारण दो ही है, अज्ञानता और अहंकार। ये दोनों नहीं रहने से आप गलती कर नहीं सकते, अज्ञानता और अहंकार है।
तो अज्ञानता को अगर दूर करेंगे, कैसे दूर करेंगे, भगवान का किरण सनलाइट, अगर आपका अज्ञानता का ऊपर फोकस करेंगे तो अज्ञानता दूर हो गया। अज्ञानता अगर दूर हो गया तो मिस्टेक ब्लंडर ये सब नहीं होगा। तो मूल कारण जो है उसको निकलना है। हम लोग क्या एक्सटर्नल लाइफ में बाहर का चीज को देखकर बाहर से साफ कर देते हैं। अभी ग्रास उठ गया, ग्रास को साफ कर दिया, 5 दिन के बाद क्या होता है, फिर निकल आता है, क्योंकि उनका रूट है वहां। रूट को निकलना है, वो चीज साइकिक बीइंग करता है। अगर मैं कुछ गलती किया हूं, वो गलती का जो कारण है वो कारण को निकल देता है। तो ऐसा ही हम लोग अभी अगर ट्राई करेंगे, जो गलती कर रहे हैं हम लोग, वो गलती से क्या सीख रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, ये दोनों का ऊपर कंसंट्रेट करना है, कर उसको लाइट फोकस करना है। भगवान का जो लाइट है वो फोकस करना है। हमारा टॉर्च लाइट, माता जी बोल रहे हैं, योर सिंसियरिटी इज योर टॉर्च लाइट। सिंसियरिटी आपका टॉर्च लाइट है। वो टॉर्च लाइट अगर वही प्लेस में आप दिखा देंगे तो वो लाइट हो जाएगा, तो गलती नहीं होगा। और एक चीज हम लोग क्या होता है, अगर हम लोग सफल होते हैं तो एक्साइटेड हो जाते हैं, अगर विफल होते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड करते हैं। लेकिन सफल होना और विफल होना दोनों में हमारा फायदा है। सफल होने से पता चलता है मैं कितना आगे जा पाया हूं, विफल होने से मुझे पता चलता है मेरा अंदर में क्या क्या छोड़ दिया जिसको मुझे रिसर्च करना चाहिए और थोड़ा जानना चाहिए। ऊपर ऊपर से मैं प्रिपेयर हो गया एग्जाम के लिए। हाँ, लास्ट टाइम ये ऐसा क्वेश्चन आया था, प्रीवियस साल में ऐसा क्वेश्चन आया था, और इस साल ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं प्रिपेयर हो गया। लेकिन वो जो सब्जेक्ट का ऊपर डिटेल नहीं गया मैं, तो डिटेल जाने के लिए मुझे फिर रिवाइज करना है, वही है फेल। आप देखिए जितना महापुरुष है उनका लाइफ में जितना फेलियर है, आपका लाइफ में उतना फेलियर नहीं है। जितना फेलियर है उतना एक्सपीरियंस है, जितना सक्सेस है उतना आउटपुट हो जाते हैं हम लोग। अगर आप सक्सेस हो जाते हैं, आप न्यूज रिपोर्टर के पास रह जाएंगे, वो पूछेंगे आप कैसा फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुआ, मैं ऐसा हुआ, रात में पढ़ रहा था, मेरा पिताजी ऐसा। आउटपुट हो जाते हैं, एक्सटर्नलाइज हो जाते हैं। जब आप विफल होते हैं उनका पास आकर बोलते हैं क्या हुआ क्यों हुआ, तो अंदर जाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी आता है जब फेलियर। तो जीवन में सफल हो या ठीक है, सफलता का पीछे भागना नहीं है। श्री अरविंद बोल रहे हैं, वी डू नॉट वांट सक्सेस, वी वांट परफेक्शन। सक्सेस मेरा पीछे आएगा लेकिन उसका पीछे मैं नहीं भागूंगा। परफेक्शन, परफेक्शन का मतलब जो चीज करूंगा उसमें टोटली अपने आप को भूल जाऊंगा, वही है परफेक्शन। जब साइंटिस्ट एक काम में डूब जाता है, अपने आप को भूल जाता है। एक साइंटिस्ट थे, उनका शादी भूल गया, वो लेबोरेटरी में था, उनका शादी उसी दिन में वो भूल गया। हम लोग तो 6 महीने से पहले ही याद करते हैं, देखो 6 महीना के बाद होगा, तुम जरूर आओगे, तुम आओगे, कैसा इन्विटेशन कार्ड होगा, हर चीज 6 महीने से पहले हमारा चलती रहता है। और उस दिन तो आपको पता है मैरिज का दिन में जो होता है, मैरिज हो जाने के बाद भी वीडियो शूटिंग देखते देखते हमारा टाइम चल जाता है। लेकिन जो सही काम में डूब जाता है वही भगवान को पा लेता है। जो काम परफेक्शन है उसी को बोलते हैं। मैं जो काम कर रहा हूं उसमें डूब जाता हूं, उसका क्या रिजल्ट होगा मैं सोचूंगा ना, वो भगवान का काम है। मैं अगर गाना गाया, गाना में मैं अपने आप को डूबा देना है और कुछ नहीं। मैं पूछूंगा नहीं मेरा गाना कैसा हुआ, अगर आप अच्छा बोलेंगे ताले ऐसा लगेगा, अगर नहीं है तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। हम लोग ऐसा ही करते हैं, ऑडियंस का व्यू पॉइंट पूछते हैं, जरूरत नहीं है। आप अपने आप को खो जाइए। तानसेन जो थे बहुत बड़ा संगीतकार, वो राजा उनको पूछे थे कि तुम्हारा संगीत से तुम्हारा गुरु का संगीत क्यों इतना अच्छा होता है, उनका उनको थोड़ा बुलाओ मैं सुनूंगा। तो उन्होंने बोला वो तो बुलाने से नहीं आएंगे, अपना मर्जी का गुरु है वो।
तो क्या करेंगे ना, आपको जाना पड़ेगा। तो उन्होंने गया, उनको वेट करना पड़ा, क्योंकि वो जब गाना गाएंगे तब तक गाएंगे। तो उसका बाद वो पूछा, इतना अच्छा गाना वो कैसे गा पे, तुम भी नहीं गा पाते हो। तो तानसेन ने बोला, मैं आपके लिए गाता हूं, वो भगवान के लिए गाता है। यही फर्क है, मैं आपको सेटिस्फाई करने के लिए बताऊं तो मेरा गाने में इतना प्यूरिटी कहाँ आएगा। तो हम लोग जब भगवान के लिए सब कुछ करेंगे और उसमें अपने आप को खो देंगे, उसको बोला जाता है परफेक्शन। माता जी बोल रहे हैं वही परफेक्शन हम लोग चाहते हैं। मेरा एक प्रश्न है कि ये जो साइकिक बीइंग है, आपने जो कहा है तो बड़ा सुंदर आपने समझा दिया, ये बहुत अच्छा आपका लेक्चर था, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रश्न है, कितने लोग ऐसे होंगे जिनको साइकिक बीइंग से कांटेक्ट है, आश्रम में जो डिवोटीज हैं या आश्रम सोसाइटी बाहर कहीं, कितने भक्त लोग हैं उसमें, रफली एनी फिगर एनी आइडिया? वो काम तो मैं नहीं करता हूं, क्योंकि किसका हुआ किसका नहीं हुआ। अगर अगर चाहेंगे तो माता जी बोल रहे हैं कर सकते हैं, क्योंकि एन अवेकेंड सोल कैन रिकॉग्नाइज अनदर अवेकेंड सोल। अगर एक आदमी का आत्मा जागृत हो गया तो पता चल जाएगा कितना लोग का जागृत है गया। लेकिन मैं उस फील्ड में मैं इंटरेस्ट नहीं लिया, नहीं तो मेरा इच्छा भी नहीं है। मेरा इच्छा है कि हर आदमी को होना है। क्यों ग्रेजुएशन करेंगे, उनको अंडर एस्टिमेट करेंगे, दूसरे को आपको महान बोलेंगे, बेचारा उनका अंदर में डिप्रेशन आ जाएगा। क्योंकि क्यों हम लोग नहीं सोचेंगे कि पोटेंशियली ऑल आर डिवाइन, वन डे एवरीबॉडी विल बिकम डिवाइन। वही मेरा, मैं नहीं देखना चाहता हूं कि कोई निम्न स्तर में है या उच्च स्तर में है, उसको लेकर जजमेंट करना है, इस सबसे मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। आपका लेक्चर बहुत ही अच्छे रहे सुन के। मेरे क्वेश्चन ये है कि साइकिक और नॉन साइकिक दोनों जब एक साथ टकराएगा प्रोफेशनल लाइफ में या काम के जीवन में या रेगुलर जीवन में, तो ये नहीं है कि जो साइकिक है थोड़ा वीक दिखेगा, क्योंकि बाकी जो नॉन साइकिक है उसको घिरा हुआ है, तो फिर वो काम कैसे करेगा, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हो चाहे कोई बड़े पोजिशन पे हो, तो उसको कैसे रेगुलेशन होगा एक्चुअली। साइकिक का डिफरेंट स्टेजेस है। साइकिक का पहला स्टेज में वो वीक रहता है, इसलिए वो क्या करता है कि अपने आप को दूसरों से दूर रखता है, अपना प्यूरिटी को मेंटेन करने के लिए वो अपने आप को दूर रहता है, दूर रखता है। जैसा एक पेड़ है छोटा है, उसको गाय खा देगा, इसलिए चारों तरफ में वो प्रोटेक्शन वॉल क्रिएट करता है, उसका अंदर में वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो हम लोग का साइकिक भी डिफरेंट स्टेज में, एक स्टेज में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो दूसरा लोग है उससे कितना कम संपर्क रखना उतना अच्छा है। पहला स्टेज जितना कम हो सके, पता नहीं क्योंकि लाइफ डीलिंग में तो कुछ आदमी के साथ रिलेशन रखना ही पड़ेगा। आप अगर नौकरी करते हैं आपका बॉस के साथ रिलेशन रखना ही पड़ेगा, मना कर नहीं पाएंगे, तो कुछ तो कंपल्शन है। लेकिन जितना आप कम करेंगे उतना अच्छा है साइकिक का डेवलपमेंट के लिए। लेकिन माता जी बोल रहे हैं साइकिक अगर एक ऐसा स्थिति में आ गया, द वेरी प्रेजेंस ऑफ साइकिक विल चेंज द मास। वो जो आदमी जहां भी गया वो एटमोस्फेयर में इतना हार्मोनियस कर देगा कि वहां जो लोग हैं वो उसका रेस्पॉन्ड कर चेंज हो जाएंगे, नहीं तो वहां नहीं रह पाएंगे, चले जाएंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। जैसे माता जी को एक बार ओरोविल में, मातृ मंदिर ओरोविल में दो साधक माता जी के पास गए थे, बोले थे कि ओरोविल में इधर उधर का आदमी ज्यादा आ जाते हैं, फॉरनर्स, कोई सारा भी आ जाता है, कोई कितना लोग आ जाते हैं, डिस्टरबेंस का एटमोस्फेयर चारों तरफ में रहता है, तो हम लोग कैसे साधना करेंगे ऐसा एटमोस्फेयर में। माता जी बोले कि आप लोग अगर सिंसियरली करेंगे तो वो एटमोस्फेयर चार्ज हो जाएगा, मेरा प्रेजेंस, अगर मेरा प्रेजेंस वहां चार्ज हो गया तो वहां जो लोग हैं इधर चेंज होंगे, नहीं तो बोलेंगे मैं निश्वास ले नहीं पाता हूं, तो चले जाएंगे। तो हमारा जो प्रिपरेशन है साइकिक का, जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा प्रिपरेशन को बढ़ाना है। माता जी बोल रहे हैं एक ऐसा स्टेज होगा कि आपको हर बार विपरीत परिस्थिति को जाना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर सेल्फिश।
खराब लोग के पास आपको जाना ही पड़ेगा, बिकॉज होल वर्ल्ड विल बी ट्रांसफॉर्म। आप अगर बोलेंगे मैं सिर्फ शुद्ध जगह में रहूंगा तो दुनिया कैसा परिवर्तन होगा। हाँ, आप जब प्रिपेयर हो रहे हैं तब तो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप खुद पता नहीं आपका क्या होगा, आप दूसरों को क्या चेंज करेंगे। लेकिन ऐसा एक स्टेज आएगा जिसमें आप प्रभावित होंगे नहीं दूसरों के लिए, लेकिन आपका प्रेजेंस में दूसरा लोग परिवर्तन हो सकते हैं, तब आप वहां जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाते हैं तो यू आर सेल्फिश, अपने आप के लिए आप सोचा है, जैसा अतीत में मुक्ति निर्वाण अपने आप के लिए सोचते हो, तुम भी तो अपना के लिए सोचते हो, दूसरे के लिए क्या सोचते हो। तो ये जो साइकिक का स्टेज का ऊपर निर्भर करता है, कौन सा स्टेज में, पहला स्टेज में है तो जरूर ये जो बाहर का जो प्रभाव है उसमें मैं स्टैंड अप नहीं हो पाऊंगा, जितना अवेयर करूंगा उतना अच्छा। साइकिक बींग इवोल्यूशनरी सिस्टम में भाग लेता है क्या? साइकिक बींग का मेन कारण है इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करना, नहीं तो आत्मा वो तो इवोल्यूशन से ऊपर है। साइकिक बींग का मेन रोल है इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करना, मन और प्राण और शरीर को दिव्य तत्व में रूपांतरित कर मतिमान बनाना, उसी का काम है। दूसरा जो प्रश्न है, आजकल धार्मिक वायलेंस अधिक से अधिक दिखाई दे रहे हैं, उसका फ्यूचर के साथ कुछ संबंध है क्या? आजकल धार्मिक वायलेंस अधिक से अधिक दिखाई दे रहे हैं, उसका फ्यूचर के साथ कुछ संबंध है क्या? हर चीज का साथ है, क्योंकि माता जी बोल रहे हैं अभी ऐसा एक समय में हम लोग जाते हैं, बैड बिकम्स वर्स्ट, गुड बिकम्स द बेस्ट। अगर हमारा अंदर में अच्छा है तो वो रूपांतर के लिए रेडी हो जाता है, अगर कुछ खराब है वो चेंज नहीं होना चाहता है तो वो डिसअपीयर कर जाएगा। कैसा डिसअपीयर करेगा? वो ज्यादा से पावरफुल होते होते डिसअपीयर करेगा। उसका ऐसा नहीं है कि इमिडिएटली उसको रोक देते हैं, उसको टोटली अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, तुम कितना खराब हो सकते हो। तो बैड बिकम्स वर्स्ट, गुड बिकम द बेस्ट, ऐसे समय में हम लोग है। ये आखिरी प्रश्न है, जिस चीज को मैं छोड़ना चाहता हूं पहले से ज्यादा उसका आक्रमण होता है, तो उसको मैं कैसे छोड़ पाऊं? शायद खराब चीज का बात बोल रहे हो। हाँ, जिसको हम लोग छोड़ना चाहेंगे वो जरूर पावरफुल हो गए, क्योंकि वो अपना हिसाब से ट्राई करेगा कि तुमको छोड़ना नहीं, तो वो अपना हिसाब से वो ट्राई करेगा और दिखेगा तुम कितना दृढ़ हो। अगर वो दिख लिया कि ये बहुत दूर है तो चले जाएगा। अगर उनको पता है कि ये ज्यादा ट्राई नहीं करेगा, एक साल ट्राई करेगा, दो साल ट्राई करेगा, उसके बाद मेरा शरण में आ जाएगा, तो आपको छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं। आपका डिटर्मिनेशन अगर स्ट्रांग हो गया, माता जी बोल रहे हैं जब मृत्यु माता जी के पास आया और बोला कि आप ये क्यों ट्राई कर रहे हो अमरत्व का जीवन, अभी तक मेरा यहाँ मेरा नियम ही चलता है, भगवान भी आया है मेरा नियम ही पालन किया है, राम भी चले गया, कृष्ण भी चले गया, सब चले गया, तुम भी रहोगे नहीं, तुम भी चले जाओगे, मेरा नियम ही इधर होता है। तो माता जी बोला सो व्हाट, आई शैल गो टू द एंड, होने से क्या है, मैं तो चाहूंगा लास्ट तक मैं रहूं या ना रहूं लेकिन काम होगा, ये बात है। Whether I exist or not, लेकिन the work will be done. तो वो मृत्यु पास में था, भाग गया माता जी लेके एजेंडा, भाग गया। तो आपका डिटर्मिनेशन ऐसा स्ट्रांग है क्या? अगर स्ट्रांग नहीं तो भागेगा नहीं, वो पकड़ कर रखेगा।